अस्सलाम वालेकुम। शोबे उर्दू यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद के जेर एहतमाम आईफोन खराब है। तौसीफ लेक्चर और मुज़ाकरा बनवान मुस्तफा हुसैन तंजो मज़ाह का अजीम फनकार पे आप सबका खैर मकदम है। मैं सबका इस्तकबाल करता हूँ जितने शुरुआत इसमें शरीक हुए। सबसे पहले मैं अब इस तौसीफ लेक्चर के को आगे बढ़ाते हुए हम मैं सबसे पहले ही इजलास की सदारत के लिए प्रोफेसर सैयद फजलुल्लाह मुकर्रम साहब सदर शोबे उर्दू यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद से दरख्वास्त करता हूँ कि वो इजलास की सदारत फरमाए। इसके अलावा मेहमान खसूसी जो इस तौसीफ लेक्चर के होंगे प्रोफेसर नजीमुद्दीन फरीद साहब जो सदर शोबे उर्दू मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी वो मेहमान खसूसी होंगे। मैं उनका इस्तकबाल करता हूं और उनसे दरख्वास्त करता हूं कि वो मेहमान खसूसी की जिम्मेदारी संभालें। ये तौसीफ लेक्चर तो मुस्तफा हुसैन साहब के ऊपर रखा गया है। इसके लिए हमने जिस शख्सियत का इंतखाब किया है वो शख्सियत अपने आप में बहुत बड़ी शख्सियत है ना। डॉक्टर तकी आबदी साहब जो कनाडा से हैं वो मुमताज महक्की नक्काद और अदीब और शायर हैं। पर आने से पहले मैं थोड़ा सा मुस्तफा हुसैन साहब के बारे में, वैसे तो वो गुफ्तगू करेंगे उनके फिक्र फन पर तफसील से इजहार ख्याल फरमाएंगे, लेकिन दरअसल ये मुस्तफा हुसैन साहब के लिए पहले हमने शोबे के जानिब से ये सोचा था कि मुस्तफा हुसैन साहब पर एक वेबिनार रखा जाए, क्योंकि वो हो नहीं सका इसलिए तौसीफ लेक्चर रखा गया है। लेकिन इंशाअल्लाह आइंदा कभी भी हम इस पर एक वेबिनार जरूर रखेंगे मुनक्किद करके, है ना। ये तौसीफ लेक्चर मुस्तफा हुसैन साहब के लिए खराज अकीदत भी होगा, है ना। दरअसल मुस्तफा हुसैन साहब एक अजीम फनकार थे। इस सदी के बहुत बड़े तंजो मज़ाह निगार थे, है ना, जिस हम सब वाकिफ हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि उनका शुमार उर्दू के अजीम तंजो मज़ाह निगार में होता है ना। उनके जाने के बाद, उनके इंतकाल के बाद जिस तरह से उर्दू में खास तौर से उर्दू तंजो मज़ाह निगारी में जो खला पैदा हुआ उसका पुर होना जो है उसका पुर होना काफ़ी मुश्किल है। इसीलिए ये जो है तौसीफ लेक्चर का एहतमाम किया गया है। और मुस्तफा हुसैन साहब हमारे शोबे के लिए ये बड़ी सआदत की बात थी है कि जो है मुस्तफा हुसैन साहब जो है हमारे यहाँ विजिटिंग प्रोफेसर भी रहे 2 साल, है ना, और वो इस शोबे को जो है बहुत कुछ अपने खिदमात भी अंजाम दी, बहुत सारे हमारे उनसे मुलाकात रही। बहरहाल हम आगे बढ़ते हुए इस कार्रवाई इसको आगे बढ़ाते हुए मैं अब इस तौसीफ लेक्चर के जानिब पढ़ते हैं जो जिस शख्सियत के जानिब से ये तौसीफ लेक्चर दिया जा रहा है वो भी जो है मुताज़ तारुफ नहीं है ना। डॉक्टर तकी आबदी साहब वो हमारे शोबे में कई मरतबा तशरीफ़ ला चुके हैं और लेक्चर भी दे चुके हैं, हम उनसे जो है उनसे फादा भी कर चुके हैं। आप जानते हैं कि बहुत बड़े आपको अजीब मुमताज़ महक्किक भी हैं, अदीब भी हैं, शायर भी हैं और तकरीबन 100 से ज़ायद किताबों के मुसन्निफ़ भी हैं। आप पेशे से एक डॉक्टर हैं लेकिन उसके बावजूद भी उर्दू अदब के लिए जो आपकी खिदमात है, है ना, किस तरह से आपने मुख्तलिफ गोशों पर आपने किताबें लिखी हैं, ख़ास तौर से मैं जहाँ तक जानता हूँ कि आपकी नज़र उर्दू शायरी पर बहुत गहरी है। आप इकबाल, गालिब और बिनरीस और फैज पर जो है खास तौर से आवाज ही नहीं आ रही है आपकी, बिल्कुल आवाज नहीं आ रही है। आवाज नहीं आ रही है मेरी, आवाज बहुत आहिस्ता आ रही है नहीं, इसी वजह से हम चाह रहे थे कि पहले इसको एडजस्ट करें, आवाज नहीं आ रही है। बहरहाल अब जैसा भी हो आपके जो है लास्ट मिनट कुछ कर नहीं सकते, कोई मसला नहीं। आपके जो है डॉक्टर साहब से कहें कि जो है आवाज बिल्कुल तकरीबन हाँ। आपके जो है खत्म पर है तो इस वक्त मैं ऐसा करता हूँ, अगर आप इजाजत दें तो मैं अपना तौसीफ लेक्चर शुरू करता हूँ। हाँ बस वही वही बोलने वाले हैं, वही आवाज कर रहे हैं। अच्छा अच्छा, मुझे इशारा कर दीजिए, मैं बात कर लेता हूँ। जी जी जी, मैं आपको जो है
तफियाबली साहब से दरख्वास्त करता हूँ, आपका इस्तकबाल करता हूँ और आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि आप अपना तौसीह लेक्चर से नवाजें। शुक्रिया डॉक्टर साहब, शुरू किए जाए। मौजूद सामईन, सबसे पहले तो मैं हमारे दिल अजीज प्रोफेसर फजलुल्लाह मुकर्रम साहब का मशकूर हूँ जो हैदराबाद यूनिवर्सिटी उर्दू डिपार्टमेंट के इस वक्त सदनशीन हैं। और अभी आपने, मैं पूरी तरीके से सुन नहीं सका प्रोफेसर काशिफ साहब को, लेकिन मोहब्बतें हमारे दोस्तों की, जिसमें प्रोफेसर फारूखी और इत्तेफाक से कुछ मिनट पहले मैं मुश्तबा हुसैन साहब की साहबजादी से बातचीत कर रहा था। मुझे मालूम है कि प्रोफेसर नसीम फरीस भी ज्वाइन होंगे। तमाम नाजरीन और तमाम सामईन, इतवार का दिन और ये आपकी फुर्सत के दिन हम एक बड़े अहम मौजू पर, मुश्तबा हुसैन साहब तंजो मिजाह के जो अजीम फनकार हैं, ये जरूरी है उर्दू अदब के लिए भी और एक सेहतमंद समाज के लिए भी कि जो लोग अदब और समाज और जिंदगी की गुफ्तगू करते हैं उन पर हम भी गुफ्तगू करते रहें। मुश्तबा हुसैन को मरहूम कहते हुए इस वजह से दिल दुख रहा है कि इस मोहसिन के साथ हमने बहुत अच्छे लम्हात गुजारे। 1936 में कुछ थोड़ा सा, ताकि आमी और आलिम, वाकिफ और नावाकिफ सब मुतारिफ हो सके, मैं बात करूंगा कुछ मिनट, क्योंकि शख्सियत फन से जुड़ी होती है और इसमें चोली और दामन का साथ होता है। 1936 में गुलबर्गा में पैदा हुए और 28 में हैदराबाद में 83-84 साल जिंदगी कर यहां पर दफन हुए। वालिदे मरहूम उनके अहमद हुसैन साहब तहसीलदारी गुलबर्गा में काम करते थे और मुश्तबा हुसैन उन 10 औलाद में 9 भाई और 1 बहन। मैं जातन 3 भाइयों से मुतारिफ हूं, एक बड़े भाई जो महबूब हुसैन जिगर, जो सियासत दक्कन में जॉइंट एडिटर थे, और एक छोटे भाई उनके यूसुफ हुसैन से मेरी कोई 28 साल पहले मुलाकात न्यूयॉर्क में हुई थी। और मुश्तबा हुसैन साहब से तो मुसलसिल मेरी मुलाकातें रही। आप जानते हैं कि इब्राहिम जली साहब 1948 में चले गए थे पाकिस्तान और वहां पर उन्होंने मुदीरियत, और वो बड़े कराची के मशहूर एडिटरों में से और मसावात के मुदीर भी थे। आज हम जो बात कर रहे हैं वो बात ये है कि इस तरीके से मुश्तबा हुसैन साहब ने, अगरचे के गुलबर्गे से 1951 में मैट्रिक किया, फिर उसके बाद से एफए और फिर 1956 में यहीं उस्मानिया यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन बीए किया, तो जब अपना शौक़ को स्टार्ट किया है, शुरू किया है, क्योंकि उनके बड़े भाई उस वक्त सियासत दक्कन में थे, तो एज ए जर्नलिस्ट मुश्तबा हुसैन साहब ने अपना काम शुरू किया सियासत दक्कन से।
और इनके जो कालम सियासी थे उस जमाने में वो भी बड़े मकबूल थे, लेकिन इत्तेफाक यह हुआ कि जो मशहूर जो कालम था शीशा और तीशा, जो शाहिद सिद्दीकी लिखते थे, जो मिजाह और तंस का कालम था, उनका इंतकाल होते ही ये बड़ी जिम्मेदारी जिगर ने, महबूब हुसैन जिगर ने, बड़े भाई ने अपने छोटे भाई को दी, और ये एक फर्जी नाम कुहकन के नाम से, अपने फर्जी नाम से उन्होंने कोह पैमा के नाम से उन्होंने ये कालम निगारी सियासत में शुरू की। तो मुश्तबा हुसैन एक जर्नलिस्ट हैं, एक मिजाहिया कालम निगार हैं, और फिर आगे बढ़कर उन्होंने मिजाहिया मजामीन लिखने शुरू किए। फिर तकरीबन 200 के करीब खाके लिखे और सफरनामे लिखे। अब हम हर एक पर गुफ्तगू करेंगे, लेकिन वो कालम हो या मजमून हो या खाका हो या सफरनामा हो, हर एक में इनकी तहरीर में एक तहर्रुक था, एक ताजगी थी, एक बेबाकी थी, जिसने, वैसे तो लिखने वाले बहुत थे, जिसने लोगों को अपनी तरफ मुतवज्जो किया कि एक ऐसा शख्स है जो, जिसके पास फक्कड़पन नहीं है, जिसके पास आपके जो है सोखियानापन नहीं है, जिसके पास बाजारी आपके समाज नहीं है, जिसके पास अदबी शूखी है, जिसको अल्फाज के दरोबस से खेलना और उसको खोलना आता है, वो अल्फाज से नई नई चीजें पैदा करता है। आप देख रहे हैं कि इसी वजह से इनके बास जो तखालीक हैं, जिसका मैं जिक्र करूंगा, शाहकार हुई लोग। तो जिस तरह से मुश्तबा हुसैन साहब की शिनाख्त हैदराबाद से हुई, जैसे शौकत थानवी की शिनाख्त लखनऊ से, जैसे शहाब की शिनाख्त आप जानते हैं दिल्ली से, जैसे रशीद अहमद सिद्दीकी की शिनाख्त लखनऊ से, अलीगढ़ से, जैसे यूसुफी साहब की शिनाख्त लंदन से, और इब्ने इंशा की कराची वगैरह से, हैदराबाद से इनकी शिनाख्त जुड़ गई। और आप देखते हैं कि जब मजमून लिखा, और मैंने जैसा अभी अर्ज किया, मैं गुफ्तगू में उनकी शख्सियत को लाता रहूंगा, इन्होंने तकरीबन तमाम अहम ममालिक जहां पर उर्दू बस्तियां थीं और जहां पर उर्दू बस्तियां नहीं भी थीं, उनके सफर किए, और जब सफर किए तो सफरनामे लिखे, और सफरनामे लिखे तो वहां के हालात और वहां के सफरनामों में पहली मर्तबा उर्दू अदब ने देखा कि सफरनामे में तंज किस तरीके से डाला जाता है। अब आप जानते हैं कि देखिए, एक सफरनामा उन्होंने आपके क्या कहते हैं, जापान चलो जापान चलो, उससे पहले उसके बाद लिखा सफर लख्त लख्त, जहां पर वो लंदन, अमेरिका और कनाडा आए। मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि देखिए, सफरनामे में ये चीज नहीं होती थी जिसको मुश्तबा हुसैन साहब ने अपने सफरनामों में लिखते हैं। हमें लंदन की उन तारीखी इमारतों को देखने की तमन्ना है जहां बैठकर अंग्रेजों ने अपनी तारीख तो बनाई मगर दूसरों का जोग्राफिया बिगाड़ दिया। अब कितना लुत्फ है इस जुमले में, तारीख और जोग्राफिया, कि अपनी तारीख तो बनाई लेकिन दूसरों का जोग्राफिया बिगाड़ दिया। अब वहां पर जाकर जब लोगों को मालूम हुआ लंदन में कि मुश्तबा हुसैन आए हुए हैं,
तो लोगों ने मुशायरे, तो वहां पर आपको मालूम है मैं 40 साल से बाहर हूँ, हमारी सबसे अहम चीज मुशायरा है। जब कभी 5-6 जमा हो जाते हैं एक मुशायरा हो जाता है। अब सुनिए किस तरीके से वहां के शायरों के लिए, बर्तानिया के शायरों के लिए कह रहे हैं उर्दू के, बर्तानिया के उर्दू शायर हमारे शायरों की तरह हमा वक्ती शायर नहीं, बल्कि हफ्ते के 5 दिन सचमुच काम करते हैं। अलबत्ता जुमे की शाम से इतवार की रात तक अर्ज किया है और जर्रा नवाजी का शुक्रिया वगैरह में लगे रहते हैं। हमारे यहाँ खुदा ना खास्ता किसी शायर का क्या लफ्ज इसी को कहते हैं, तंज इसी को कहते हैं, मिजा इसी को कहते हैं कि लफ्ज में आपके जो है वो चीजें भर दी जाए कि इंसान जो है मुस्कुराने लगे। हमारे यहाँ खुदा ना खास्ता किसी शायर का कलाम अच्छा हो तो मुशायरे में शिरकत के लिए रक्शे का किराया मांग लेता है। बर्तानिया का उर्दू शायर रक्शे का किराया नहीं मांगता, बल्कि अपनी मोटर में जाता है, चाहे उसका कलाम अच्छा ही क्यों ना हो। आप देख रहे हैं, यानी क्या खूबसूरत तरीके से बर्तानिया के उस इब्तदाई दौर के जो उर्दू की नई बस्तियों के शोरा हैं, उनका नक्शा खींचा है। मैं दाद देता हूं। और सुनिए, बर्तानिया के उर्दू शायर और अदीबों को देखकर हमें खुशी हुई कि बर्तानिया जैसे तरक्की याफ्ता मुल्क में रहने के बावजूद उन्होंने अपने अंदर हसद, रकाबत, गीबत और मुआसराना चश्मक जैसे जरूरी जज्बों को अपने सीने से लगा रखा है। यूं भी इन जरूरी जज्बों के बगैर उर्दू तहजीब का तसव्वुर नहीं किया जा सकता। आप देख रहे हैं, ये है सफरनामा लिखा जा रहा है, सफर लख्त लख लिखा जा रहा है। माशरे की बुराइयों को, महफिल शेर और दानिश के सच्चाइयों को लोगों तक बेबाकाना पेश कर रहा है मुश्तबा हुसैन। आप देख रहे हैं कि ये जो लोग कहते हैं कि भाई हीथरो एयरपोर्ट पर आपको जो है उर्दू भी नजर आती है, बड़े फख्र से कहते हैं हमारी जबान ऐसी है, मगर उसके बारे में मुश्तबा हुसैन क्या कहते हैं कि दो एक जगह हीथरो एयरपोर्ट पर उर्दू में भी मुसाफिरीन के लिए हिदायत नजर आई कि एयरपोर्ट को साफ सुथरा रखिए, यानी सिगरेट के टुकड़े ना फेंको, मूंगफली के छिलके ना बिखराओ, बराए करम अपना थूक अपने मुंह में ही रखो वगैरह वगैरह। इस तरह सफाई के ताल्लुक से उर्दू वालों की शोहरा आफाक आदत वो अतवार को दुनिया वालों पर उजागर करना था, वरना क्या वजह है कि इस गैर जरूरी हिदायत को छोड़कर बकिया सारी जरूरी हिदायतें उर्दू ही में दर्ज नहीं थी। यह है एक उम्दा फितरी तख्लीककार जो तहजीब के दायरे में और समाज की बुराइयों को बताता हुआ आगे बढ़ रहा है। आपने देखा कि यह सफरनामा हो तो सफरनामा सफर भी है, क्योंकि पूरे आपके इमारतों का जिक्र है, लेकिन उसके साथ ये गुफ्तगू भी है कि उसमें आपको क्या मिल रहा है। लफ्जों से खेलना बहुत ही हमेशा मुश्तबा हुसैन साहब की आदत थी। यह और चीज है कि हमने इन बड़े लोगों के साथ वक्त तो गुजारा, लेकिन उनके वो चुटकुले, उनके वो मलफूजात, उसको हमने रिकॉर्ड नहीं किया। मैं अपना एक वाकया बयान करता हूं कि यही हैदराबाद में मेरी फैस फहमी की मैं समझता हूं रस्म रुनुमाई थी, और मुश्तबा हुसैन साहब तशरीफ लाए थे, हमारे शुजात अली राशिद साहब ने उनको मधु किया था। तो अभी फंक्शन शुरू होने में कुछ देर थी, तो मैं जिक्र कर रहा था कि यहाँ पर कोलंबिया में एक प्रोफेसर है प्रिटचिक, वो सोच रही है कि अगर गालिब की गजलों पर हम आराब लगाएं तो मानी और इबहाम में और इहाम में और सनाए में क्या मसाइल हो सकते हैं। तो मैं ये जिक्र कर रहा था, ये सुन रहे थे। उसके बाद से मुश्तबा भाई ने मुझसे कहा, अच्छा
तफिया बेदी ये बताएं, क्या हमको उर्दू के अल्फाज पर एराब लगाना चाहिए? अब ये गैर बात हो रही है आपकी। तो मैंने कहा नहीं, जरूरत नहीं है, आपके मिसरों से हम पढ़ सकते हैं, क्या जरूरत है। लेकिन बाज अल्फाज जैसे दौर और दूर हो, जैसे मुल्क या मिल्क हो, ऐसे अल्फाज पर अगर मिसरा मदद नहीं कर रहा तो लगा सकते हैं। सुन लिया, जब तकरीर का मौका आया, वो वीडियो होगा, तो कहते हैं अभी मैंने आपके तकी से पूछा आबिदी से, तो उन्होंने कहा कि हाँ बाज ऐसे अल्फाज पे लगा दिया जाए जिससे जो है मानी बदल सकते हैं। अभी तक मुझे मेरी तो ये मुश्किल हल हो गई। तो अब मैं अनीस दुम का भरोसा नहीं, ठहर जाओ नहीं पढ़ूंगा, अनीस दुम का नहीं। तो अब आप देखिए वो अनीस दम का भरोसा नहीं, ठहर जाओ चिराग लेके कहां सामने हवा के चले। ये बातों में बात, ये कोई तोड़कर जोड़कर मोड़कर छोड़कर, ये अदबियात का वही शख्स कर सकता है जो तख्लीक जानता है। ये जो गालिब का मशहूर मिसरा है, गालिब के तरफदार नहीं, हम सुखन फहम है, गालिब के तरफदार नहीं। मुश्तबा हुसैन साहब ने एक मजमून मिजाहिया लिखा, हम तरफदार हैं गालिब के, सुखन फहम नहीं। देखिए बदल दिया, अब खुद इस उन्वान में बहुत ही मिजाह है। कहते हैं एक साहब से पूछा गया, खिबला जरूरियात जिंदगी में कौन कौन सी अशिया शामिल होती हैं? उन्होंने कहा खाना, कपड़ा, मकान, गालिब और दीवाने गालिब। साफ जाहिर है ये साहब गालिब के तरफदार थे, और इस हद तक तरफदार थे कि खुद गालिब की जात से दीवाने गालिब को जुदा करने पर तुले हुए थे। फिर हमने देखा उन साहब ने गालिब से अपनी तरफदारी जताने के लिए कुलियात मीर पर भी दीवाने गालिब का टाइटल चढ़ा रखा, और महज टाइटल के धोखे में मीर के कलाम को गालिब का कलाम समझते हैं, और इस सिलसिले में खते कलाम करने को कोई मौका इनायत नहीं करते, क्योंकि उन साहब की नजर में उर्दू शायरी में सिर्फ एक ही शायर पैदा किया, वो है गालिब। उनसे एक बार पूछा गया कि जनाबे वाला उर्दू के तीन बड़े शोरा के नाम तो बताइए। मौसूफ ने कहा गालिब, मिर्जा गालिब और मिर्जा असदुल्ला खान गालिब। इस पर हमने फर्ज करते हुए आगे उनकी दाल ना गलेगी पूछा, अब लगे हाथों चौथे बड़े शायर का नाम बताइए, तो कहने लगे नजमुद्दौला दबीरुल मुल्क मिर्जा असदुल्ला खान गालिब निजाम जंग। आपने देखा मजमून बनाते हैं, और यही तख्लीक है, यानी इसी को आपके जो है मिजाह कहते हैं, इसी को कहते हैं कि तख्लीकी आपके मिजाह। ये हर एक को नसीब नहीं होता, ये बड़े लोगों को नसीब होता है। खमीस उतार कर हंसाना, बेढंगे तरीके से रक्स कर हंसाना, सुखियानापन से आपके फटकर लफ्ज को इस्तेमाल करना और चीज है, लेकिन अल्फाज का जिक्र करना, आप देख रहे हैं एक मौजू बनाते हैं कि एक जगह शायरों की हुकूमत कायम हुई, अल्लाह ना करे शायरों की हुकूमत कायम हो, क्योंकि मैं 40 साल से आपके जो है शेर पढ़ता हूं, मुझे मालूम, अल्लाह ना करे शायरों की हुकूमत, एक जगह शायरों की बहरहाल हुकूमत कायम हुई। शायरों की हुकूमत ने एक और फैसले के जरिए समाजी तकरीबात में मुशायरे को लाजमी करार दिया। हर जिले और ताल्लुके की सतह पर सदर मुशायरे के ओहदे तश्कील दिए गए। नतीजा यह हुआ जगह जगह मुशायरे होने लगे। किसी का चेहलुम होता तो उसके साथ मुशायरा भी होता, किसी बच्चे की सालगिरह होती तो मुशायरा, किसी का छिल्ला होता तो मुशायरा, किसी की बरसी होती तो मुशायरा, गोया हर तरफ मुशायरा ही मुशायरा हो गया। दिल धरने को जगह न रही, जिंदगी मुशायरा दर मुशायरा गुजरने लगी। अर्ज किया है तवज्जो चाहता हूँ, मुकर्रर इरशाद तो गोया रोजमर्रा में शामिल हो गए। समाज का ढांचा बदल गया, शायरों को सराखों पर बिठाया जाने लगा। आपने देखा शायरों की हुकूमत। अब आते हैं, पलटते हैं उसी मजमून में। जब शायरों का इख्तदार खत्म हुआ और उनकी हुकूमत मिलियामेट हो गई,
माजी के हुकुमरा शायर अब फिर सड़कों पर आ जाते हैं, जो ठीक से आपके सलाम का जवाब तक नहीं देते थे वो आज आपको एक मील दूर से सलाम करते नजर आते। देखिए यही है तंस, यही है मिसा, जो आपको सलाम का जवाब तक नहीं देते थे वो आज आपको एक मील दूर से सलाम करते नजर आते हैं। किसी को शेर सुनाना चाहते हैं तो वो बेनियाजी से कहता है मियां माफ करो और आगे का रास्ता नापो, अच्छे खासे हट्टे कट्टे हो, शेर सुनाते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती, मेहनत क्यों नहीं करते। ये है आपके जो है क्या कहते हैं, मेरी आवाज आ रही है आपको? आ रही डॉक्टर साहब, आवाज आ रही पूरी क्लियर है। अच्छा नहीं, ठीक आ रही है आपकी जो आवाज, या कम आ रही है? नहीं नहीं बिल्कुल ठीक है, क्योंकि मैं देख रहा हूं कोई कह रहे हैं कि आवाज नहीं आ रही है, तो इस वजह से मैंने पूछ लिया। बहरा आपने देखा, मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि वो खाका हो, कि वो आपके क्या कहते हैं कालम हो, वो मजमून हो, आप देखिए इसी को। डॉक्टरों से तो लोग बेजार हैं, तो अब ये देखिए आपके जो है डॉक्टर्स क्या के बारे। एक बार का जिक्र है, हम एक डॉक्टर के पास पहुंचे तो वो हफ्ज़े दस्तूर घोड़े पर सवार थे, क्योंकि आपको मालूम है डॉक्टर जो है मरीजों से बात भी नहीं करते ठीक, वो तो हमारे पास है यहाँ पर कि हम इतने देर तक बात करें मरीज से, दूसरे मुकामात पर तो बस आपके चलता रहता है मसला। घोड़े पर सवार थे, हमारे जाते ही उन्होंने आओ देखा ना ताओ हमारे मुंह में एक थर्मामीटर ठोंस दिया, नब्ज देखी, आंख चीर कर देख डाली, जबड़ों के नीचे गुदूद को टटोलते रहे, गर्दन को झटके दे देकर हिलाया, बाल पकड़कर नोच डाले, मुंह पर तमाचा रसीद किया, फिर गोशमाली करने लगे और हम उनकी सारी हरकतों के जवाब में थर्मामीटर को अपने मुंह में पकड़े नहायत सादतमंदी के साथ उनके सामने बैठे रहे। फिर डॉक्टर साहब के जी में ना जाने क्या आई, उन्होंने अचानक हमारी अस्थियों ऊपर चढ़ाई और बिजली की सी सूरत के साथ इंजेक्शन की सुरंज हमारे हाथ में धसा दी। हम दर्द के मारे चीख उठे, हमारे मुंह से थर्मामीटर गिर पड़ा, हम चीखने लगे। इस पर डॉक्टर साहब ने गुस्से से कहा, मियां अब चुप रहो, क्या छोटे बच्चे हो जो इंजेक्शन का दर्द भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। इस पर हमने डॉक्टर साहब की गिरफ्त से आजाद होने की कोशिश करते हुए कहा, मगर डॉक्टर साहब मेरी बात तो सुनिए, असल में मैं बीमार नहीं हूं, बल्कि मैं तो अपने मामू के मर्ज की कैफियत बयान करने के लिए आया था। तो मजमून किस तरह से निकाला जाए कि लोग आपके जो है उससे इस्तेफादा करें, तो आप देख रहे हैं कि इसको कहते हैं यही खाकों में भी आपको मिलेगा, कि खाकों में जब परवीन शाकिर जो बड़ी उम्दा आपके शायरा थी, जिसके साथ हमने यहाँ पर भी आपके मुशायरे पढ़े हैं उस जमाने में, और उनका एक्सीडेंट में इंतकाल हो गया, तो उसकी याद में जब एक कालम लिखने लगे तो मुश्तबा हुसैन ने आपके परवीन शाकिर की याद में एक कालम लिखा, उसके जुमले सुनिए। हमने जी ही जी में सोचा कि ऐसी धान पान लड़की क्या शेर कह सकेगी, जब इस मखसूस बैठक में उसके कलाम सुनाने की बारी आई तो हमने फरमाइश की वो तरन्नुम से कलाम सुनाए। इस पर वो बोली, माफ कीजिए मैं तरन्नुम से महरूम हूं। हमें इस जुमले पर सख्त हैरत हुई, क्योंकि हमारी अक्सर शायरा तरन्नुम ही से कलाम नहीं सुनाती, बल्कि आपके अपने कलाम से तरन्नुम सुनाती है, अपने कलाम से तरन्नुम सुनाती है। सच तो यह है, पहली बार हमने एक खातून शायर को तहतुल लफ्ज शेर पढ़ते देखा और सुना। परवीन शाकिर ने अपनी वो मशहूर गजल सुनाई जिसका मतला है, पाबा गिल सब हैं रिहाई की करे तदबीर कौन, दस बस्ता शहर में खोले मेरी जंजीर कौन। गजल खत्म हुई तो हमारे शायर दोस्त बशीर बदर ने कहा, मोहतरमा ऐसी मर्दाना गजल कही है कि हमें तो चूड़ियां पहन लेनी चाहिए। इस पर परवीन ने कहा, ऐसी बात है तो आपको एक जनाना गजल सुनाती हूँ। फिर परवीन ने सचमुच एक जनाना गजल सुनाई और यूं हमारे दोस्त के हाथों में से चूड़ियां उतार ली। इसको कहते हैं खाका, इसको कहते हैं तंस भी है इसमें, इसमें मिजा भी है, इसमें अल्फाज की आपकी हुरमत भी है, इसमें सनाए भी हैं। मैं आप लोगों को बोर करना नहीं चाहता, वरना ये जो
तहरीरी जुमले हैं, इसमें मैं बताऊंगा कि महासिन क्या है। इसमें मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि मुश्तबा हुसैन के बारे में जो बहुत से लोगों ने, जो अदीब थे जैसे मुश्ताक अहमद, जो जरीफ थे, जो उन लोगों के जो कमेंट्स हैं, अगर आप देखें मुश्ताक अहमद यूसुफी कहते हैं मुश्तबा की तहरीरों में ताजगी है। ताजगी इस वजह से जो चीज मैं आपको सुना रहा हूं ये रिपीटेशन नहीं है, ये कहीं से आपके उठाया हुआ माल नहीं है। मुश्तबा की तहरीरों में मुश्ताक अहमद यूसुफी कहता है, आज के जो हमारे उनके हम असर हैं जैसे मुश्ताक अहमद यूसुफी हो या कन्हैया लाल कपूर हो या वहीद अख्तर हो या आपके शमसुर रहमान फारूकी हो या कृष्ण चंदर हो या इंतजार हुसैन हो या मजहर इमाम हो या शहरियार हो या जमीर जाफरी हो, वो आपके जो है एक लंबी तवील लिस्ट है। मुश्तबा की तहरीरों में ताजगी है, वो कलम बर्दाश्ता लिखते हैं और रिपीटेशन या तकरार नहीं होता। कन्हैया लाल कपूर कहते हैं मुश्तबा की तरकश में कई तरह के तीर हैं और हर तीर निशाने पर बैठता है, तकल्लुफ बरतरफ खूब लिखते हैं, दूसरों की इंतहा आपकी इब्तदा है। यह बहुत सही कह रहे हैं। मैं बाज़ वक्त तंज और मिजाह पढ़ते रहता हूं, मगर कहते हैं आपके जो है जैसे कहा कि कहते हैं कि गालिब का है अंदाज बयां और, मुश्तबा का भी अंदाज बयां और है। वहीद अख्तर जो है आपके एक खूबसूरत जो उसमें नुकात निकालते हैं जो उन्होंने शुगुफा मुश्तबा हुसैन नंबर में लिखा है, मजमून पढ़िए, उस मजमून बड़ा खूबसूरत है। उसमें कहते हैं जो खुसूसियत उन्हें दूसरों से मुमताज करती है वो उनकी हैदराबादियत है। हैदराबादियत है यानी हैदराबाद का जो अंदाज बयान और जो वहां की तहजीब और वहां के जो मसाइल हैं हमारी तहजीब के, उस तहजीब को वो इन तहरीरों में लाते हैं जिससे और आपके मजा दोबाला हो जाता है। और शमसुर रहमान फारूकी ने इस तरह से इनको आपके दाद दी है कि मासर जरीफाना अदीबों में दो ही चार ऐसे हैं जिन्होंने तंजो मिजा की अदबी हैसियत को दोबारा मुस्तहकम किया, ऐसे लोगों में मुश्तबा हुसैन का नाम बहुत नुमाया है। मुश्ताक अहमद यूसुफी इस गुरुओं के सरदार हैं। मैं ये कहूंगा सरदारी तो अपनी जगह, ये एक सफ के दोनों सिपाही हैं। मुश्तबा की बास तहरीरें, मैं आशिक हूं मुश्ताक अहमद यूसुफी का, लेकिन मुश्तबा की बास तहरीरें मेवे से मेवे को मिलाया नहीं जाता। आप कहेंगे आम बेहतर है या आपके जो है क्या कहते हैं कोई दूसरा मेवा बेहतर है, वो अपनी अपनी चाहत पर है। तो आप देख रहे हैं कि वो शहरियार कहते हैं उर्दू में ये पहले और आखिरी सुपरमैन है, वो कहते हैं टू मच तक सब जा सकते हैं। मुश्तबा भाई का जुमला था टू मच तक सब जा सकते हैं, हम तो थ्री मच तक जाते हैं और मरते दम तक इस पर कायम रहेंगे। तो अब ये टू मच और ये थ्री मच, ये सिर्फ आपके जो है हम उर्दू के ही ये मच को समझ सकते हैं। तो ये आप देख रहे हैं कि किस तरीके से यानी अल्फाज से खेलना, जो अभी मैंने अर्ज किया। जमीर जाफरी जो खुद बड़ा मिजा निगार तंज निगार जिन पर मेरा काम है और जिनके साथ मैंने बहुत कुछ आपके जो है जिंदगी गुजारी है, यानी इस तरीके से के 10 साल हम न्यूयॉर्क में साथ थे, वो हमारे पास आते रहते थे, अजीम शायर 20 साल पहले इंतकाल कर गए। मुश्तबा हुसैन उन लिखने वालों में से हैं जो ख्याल की गिराई और इंशाई बांकपन की आमजिश से अपना एक अलहदा तशक्कुस ही नहीं बल्कि एक मुस्तकिल दौर पैदा कर चुके हैं। एक बलीग बशाशत और फिक्रमंदगी फिक्रमंद शुगुफ्तगी उनके फन की खुसूसी असास है। एक एक लफ्ज जमीर जाफरी का मैं कह रहा हूं कि किसी किस्म का आपके मुबालगा नहीं बल्कि सच की गुफ्तगू है। आप देख रहे हैं शमीम हनफी कहते हैं फिक्रबाजी लतीफा साजी जबान के पंतरों पर जाहरी सीधी सादी इंसानी सूरत हाल में मजहका बेडोल और अजीबुल वज़ जावियों की तलाश से मुश्तबा हुसैन ने बहुत काम लिया है। किन किन की बात करूं, मुगनी तबस्सुम की बात करूं, अफराद की बात करूं, तो कहने का मतलब यह है कि वो जबान पर जो खादरुल कलामी थी जैसे खालिक को मखलूक पर, अल्फाज को
कहीं जोड़कर, कहीं तोड़कर, कहीं मोड़कर, कहीं छोड़कर, कहीं उसको दूसरे लफ्जों से मिलाकर ऐसे मानी मुश्तबा हुसैन पैदा करते हैं कि आप कैफ लेते जाएंगे। मसला यह है कि इसको बैठकर पढ़ना चाहिए। हमारे पास रीडरशिप नहीं हो रही है, यह तल्ख जुमले मैं कहता हूं। इस वजह से मैं ये भी कहता हूं कि मुशायरे में आप शायर को सुनते हैं, समझते नहीं पूरी तरीके से, क्योंकि अभी आप लुत्फ अंदोज होते हैं, पहले शेर से दूसरा शेर वारिद हो जाता है, जहन की कैपेसिटी ये नहीं रहती कि कंटिन्यूअस करता चला जाए। तो शायर को जब आप बैठ के अपने किताब खाने में, अपने घर में उस किताब को लेकर अपना जो है उसको हम सफर और अपना क्या कहते हैं कि दोस्त बनाकर उसके इंदिये के साथ चलने की कोशिश करेंगे, तो फिर आपको उस शायर की अजमत मालूम होगी। उसी तरीके से जरूरत इस चीज की है कि मुश्तबा हुसैन की निगारिशात का पूरी तरीके से मुतालिया किया जाए। 20-22 किताबें आ चुकी हैं। किताबों की आप देखेंगे कि अगर वहां पर आपको क्या कहते हैं, अगर खाकों में आप देखते हैं 200 से ज्यादा खाके लिखे हैं। सो है वो भी आदमी 87 में शाया हुआ है, आदमी नामा 1981 में शाया हुआ है, चेहरा दर चेहरा 1993 में शाया हुआ है, और हुए हम दोस्त जिसके 1999 में शाया हुआ है, और कई हैं। मजामीन के आप देखिए, मजामीन मजमुए तकल्लुफ बरतरफ, बहरहाल, खिस्से मुख्तसर, खते कलाम, किन किन के नाम गिनाओ। मसला यह है कि इन्हें वो बखूबी हुनर आता है कि किस तरीके से किस चीज को बयान किया जाए। पूरी दुनिया में मशहूर है कि बन्ने भाई सज्जाद जहीर की मुस्कुराहट मशहूर थी, गुस्से के आलम में भी इनके चेहरे पर मुस्कुराहट रहती थी। कभी आपके जो है तल्ख से तल्ख भी बात करते लोग तो सज्जाद जहीर के चेहरे पर मुस्कुराहट रहती, ये मशहूर है। मुश्तबा हुसैन लिखते हैं, बन्ने भाई की मुस्कुराहट के वसीले से हम उनकी शख्सियत में झांकते हैं। सुनिए लफ्ज लफ्ज सुनिए इस बड़े, इसको कहते हैं खाका। मुस्कुराहट शख्सियत की अलामत बनी है, फनकार की जमालियात जिसने इस मुस्कुराहट को मानी खेस इमेज दिया है। अगर उनके पास दिलों में उतर जाने वाली मुस्कुराहट ना होती तो शायद बन्ने भाई इतनी बड़ी तहरीक ना चलाते। जब जब बन्ने भाई मुस्कुरा देते हैं तो उनकी तकरीर में बड़ी जान पैदा होती है। इस दिन पहली बार एहसास हुआ कि बाज मुस्कुराहटें अपने अंदर तहरीर और तकरीर से ज्यादा इजहार की सलाहियतें रखती। बन्ने भाई की मुस्कुराहट की खूबी यह थी कि उनके बेशुमार पहलू और बेशुमार रंग थे। ऐसा तनव था कि हर बार उनकी मुस्कुराहट पिछली मुस्कुराहटों से अलग मालूम होती थी। कभी यह मुस्कुराहट मासूमियत का लिबास पहन लेती, कभी यह सरासर शफकत बन जाती, कभी मोहब्बत, कहीं अभी आजम, कभी हौसला, कभी नरमी, कभी शाइस्तगी, कभी अकीदा, कभी तंज, कभी तो यह मुस्कुराहट सरासर दर्द और कर्ब का रूप धार दिखाने लगती। यह है मजमून मुस्कुराहट। अब उसको मोड़ते हैं, जब उनकी जब इंतकाल हुआ और उनकी लाश लाई गई रूस से और जामे मिलिया में दफन की गई, उस वक्त ये दिल्ली में थे। मुश्तबा हुसैन लिखते हैं, जब उनकी नाश के करीब पहुंचा तो देखा फूलों के ढेर में उनके होंठों तब भी मुस्कुरा रहे हैं, उनके होंठ तब भी मुस्कुरा रहे हैं। मौत ने बन्ने भाई का सब कुछ छीन लिया लेकिन उनकी मुस्कुराहट मौत की जस्त से परे रही। ये अजीब बड़ी गरीब ये बड़ी अजीब और गरीब मुस्कुराहट थी, बड़ी अटल अटूट मुस्तहकम अज़्म वाली और रासिखुल अकीदा मुस्कुराहट। जैसे यह मुस्कुराहट बन्ने भाई की सारी जिंदगी का निचोड़ थी, उनका अकीदा और उनका नजरिया थी। मैं इस हैरान कुन मुस्कुराहट को यूं दुखता रहा जैसे इस मुस्कुराहट को हर्फ हर्फ पढ़ना चाहता हूं। ये मुस्कुराहट है आखिर क्या? आपने देखा दर्द के मसले को भी बयान करते हैं तो किस खूबी से बयान करते हैं। यह है खाका। लोगों ने हजार बार आपकी मुस्कुराहट पर बात की है। खूब फिराक गोरखपुरी पर हमने फिराक गोरखपुरी भी जब गुफ्तगु करते हैं तो कहते हैं बन्ने भाई की मुस्कुराहट ऐसी रहती थी कि आदमी गुस्सा भी करता तो खामोश हो जाता।
तो ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि मुश्तबा हुसैन का हुनर यह है कि वो मिजाह का और तंज का मजमून हो या वो तंज और मिजाह का खाका हो या वो सफरनामा हो, किस तरीके से ये वसत देते, तखलीक के मानी तखलीक के नहीं है, वही तखलीक का मारूफ होता है और जिंदा होता है जिसके पास नया मटेरियल होता है, नए रास्ते होते हैं, नए ख्याबों होते हैं, नई क्यारियां होती हैं, नई गुलकारी होती है, नई सच और धज होती है, जिसको जमाना कबूल करे या ना करे वो अपनी तरीके से उसकी प्रचार और उसकी निशात और उसकी नमू करता रहता है। ये कमाल है यार, ये कमाल आपको मिलेगा। आप देख रहे हैं जुमलों की बजाकत देखिए, फिसादात होते हैं हिंदुस्तान में, लेकिन एक मिजान निगार जिसमें तंज भरा है क्या कहता है फिसादात के बारे में। हर साल फिसादात के बीज बोकर इंसानी सरों की फसलें काटी जाती हैं। कितना खूबसूरत जुमला है, तंज इसको कहते हैं। यहां के फिसादात इतने खालिस होते हैं कि इनमें कहीं इंसानियत की मिलावट नहीं होती। आप देख रहे हैं यहां के फिसादात इतने खालिस होते हैं कि इसमें कहीं इंसानियत की मिलावट नहीं होती। अहले हिंद किसी मकसद के बगैर जिंदगी गुजारने में बड़ी महारत रखते हैं, लिहाजा ना तो वो अपनी जिंदगी में कोई मकसद तलाश करते हैं और ना ही किसी के मकसद के बारे में इस्तफसार करने को जरूरी समझते हैं। और एक जुमला सुनिए, लेते जाइए, इन्हीं फिसादात की वजह से हम तो दरवेश बन गए। यहां आने से पहले हम हिंदू और मुसलमान थे। ये है आपके तंस के जुमले। फिसाद के लिए एक हिंदू और एक मुसलमान का होना जरूरी है, इन दोनों के इत्तेहाद के बगैर फिसाद का होना नामुमकिन है। मैं अक्सर नींद में चौंक कर उठ बैठता हूं और चीखने लगता हूं, मुझे लीडर से एक बार मिलने तो दो। शकीलुर रहमान साहब ने पहली किताब लिखी है जमालियात तंस पर मुश्तबा हुसैन के बारे में, खूबसूरत किताब है, छोटी सी किताब है, उससे ये इख्तिबासात मैं आपको पेश कर रहा था। काम होना चाहिए ना, आपके जो काम इस वजह से होना चाहिए, पैदा होना तो सबको आता है लेकिन मुनासिब वक्त पर मरना एक फन है, और इस फन में कमाल हासिल करने के लिए आदमी को बरसों जिंदा रहना पड़ता है, क्योंकि अहले इल्म का मसला है। क्योंकि मैं हैदराबाद यूनिवर्सिटी के स्कॉलर्स से, असातेजा से, दानिशामुजों से, स्टूडेंट से और वो लोग जो जुड़े हुए हैं मुश्तबा हुसैन साहब से, तो मैं और मुझे मालूम है मुताले की हमारे पास आपके फुर्सत नहीं है, तो मैं ये मौके फराहम कर रहा हूं ताकि आप जाने। ये सुनिए, जिस घर में ज्यादा मेहमान आते हैं उस घर में कभी कोई चोर नहीं आता। क्या मतलब है? क्यों? जिस घर में मेहमान ज्यादा आते हैं मुकर्रम भाई, जिस घर में मेहमान ज्यादा आते हैं उस घर में कोई चोर नहीं आता, क्योंकि चोर को मालूम रहता है कि जिस घर में मेहमान आते हो वहां चोर के लिए बाकी ही क्या रह जाता है। तो अब ये अंदाज जो है आपके, देख रहे हैं आपके जो, इस दुनिया में दो ही चीजें ऐसी हैं जो बिन बुलाए आ जाती हैं, एक मेहमान और दूसरा मौत। मौत तो खैर, फिर भी बाज़ औक़ात इंसान को अपने आने का इशारा देकर इंसान को वसीयतनामा लिखवाने का मौका अता कर देती है, लेकिन मेहमान ऐसे किसी तकल्लुफ में पड़ना नहीं चाहता। यानी मौत से भी बिन बुलाए जो है आपके मेहमान आपके घर पर वारिद हो सकता है। तो मेहमान के बारे में यह कहना, आप देख रहे हैं कि किस तरीके से। अब मैं एक अपनी आपकी गुफ्तगू को तमाम करता हूँ। एक बड़े मजे की चीज है, क्योंकि यहाँ पर मुझे मालूम है मैं कुछ देर पहले हमारे उनके साहबजादी आपके जो है राशिदा से बात कर रहा था, तो मैं एक जापान चलो, जापान चलो से एक खत जो उनकी मम्मी को, यानी हमारे क्या कहते हैं कि मुश्तबा साहब ने अपनी बेगम को लिखा, वो खत सुनिए आप। ये है एक खत, एक शौहर अपनी एक बेगम को लिख रहा है और वो आया हुआ है जापान। तो वो खत ये, वो हमें टोक्यो में दूसरे दिन मिली और हमने उस रोज
अपनी बीवी को यह खत लिखा, वो हमें आज मिली है, देखने में कुछ खास नहीं मगर फिर भी अच्छी है। अब हमें इसी की रिफाकत में टोक्यो के शब रोज गुजारने हैं, इसी के साए में रहना है। ये बेगम को लिख दिया। अब सुनिए, 8 दिन बाद हम अपने होटल में गहरी नींद में लुत्फंदोज हो रहे थे कि फोन की घंटी बजी। नींद से जागकर फोन का रिसीवर उठाया तो पता चला कि हिंदुस्तान से फोन आया है। दूसरी तरफ से हमारी बेगम की आवाज आई तो हमने बेसाख्ता पूछा, हेलो कैसी हो, खैरियत से तो हो ना? हमारी बीवी ने कहा, खैरियत जाए भाड़ में, पहले ये बताओ इस वक्त कमरे में अकेले हो या वो भी तुम्हारे साथ है? हमने आंखें मलते हुए पूछा, वो कौन? मैं तो कमरे में अकेले रहता हूँ, कैसी बातें करती हो, मेरी गरीबुल वतनी का तो लिहाज करो। फिर ऐसी बातें करने के लिए कई समंदर पार से फोन मिलाने की जरूरत क्या है? बोली, ये तुम्हारी आवाज में इतना खुमार क्यों है, एक अजीब सी मस्ती क्यों है? हमने कहा, रात का 1:30 बजा है, तुम्हारे फोन की घंटी पर जागे हैं, गहरी नींद में क्या इतना खुमार और इतनी मस्ती भी नहीं आएगी? बोली, बिल्कुल गलत, इस वक्त तो रात के सिर्फ 10 बजे हैं। हमने बात को काट कर कहा, ठीक है हिंदुस्तान में 10 बजे होंगे मगर यहाँ तो रात का 1:30 बजा है। बोली, मुझे मालूम है, अब तुम्हारा वक्त और मेरा वक्त कभी नहीं मिलेगा। मुझे पहले ही शुबा था, तुम्हारे लहजे की सरशारी बता रही है कि वो चंडाल अब तुम्हारे कमरे ही में बसी है। हमने कहा, गुस्से से कहा, यह क्या मजाक है, तुम किस चंडाल का जिक्र कर रही हो, जापान में कोई चंडाल वंडाल नहीं रहती। बोली, अब तो तुम उधर ही के गुण गाओगे, इसीलिए तो मैं तुम्हारे जापान जाने की मुखालिफ थी। सच बताओ, वो कौन है जिसके बारे में तुमने खुद अपने खत में लिखा, वो तुम्हें टोक्यो में दूसरे दिन ही मिल गई, देखने में कुछ खास नहीं फिर भी बहुत अच्छी है, और ये कि अब तुम्हें इसी की रिफाकत में टोक्यो के शबो रोज गुजारने हैं। हमने जोर से कहकहा लगा कर कहा, तुम सचमुच बड़ी भोली हो, टोक्यो में हमें दूसरे दिन जो मिली वो कोई हसीना नहीं बल्कि यूनेस्को की छतरी है। रोम में हम शायद छतरी लिखना भूल गए और तुमने इसका रिश्ता औरत से जोड़ दिया। पूछा, अच्छा ये छतरी है? हमने कहा, और क्या? पूछा, अच्छा ये छतरी शादीशुदा है या गैर शादीशुदा? हमने कहा, भला छतरी युग छत्रियों की भी कहीं शादी होती है? बोली, उसका मतलब यह है शादीशुदा नहीं है, ये बताओ उम्र क्या है? हमने कहा, बड़ी पुरानी छतरी है, इससे पहले भी कई लोग इसे इस्तेमाल कर चुके हैं। बोली, आए है कुछ तो अपनी उम्र का लिहाज करो, अब तुम्हें कौन सी गैर मुस्तमला चीज मिलेगी? मर्द की जात ही ऐसी होती है, रस्सी जल जाती है पर बल नहीं जाता। फिर अपने लहजे में गमगीनी और रिक्कत तायरी करते हुए बोली, खुदा के लिए रास्ता पर आ जाओ, तुम्हारी औलाद अब शादी के काबिल हो रही है और तुम्हें अब भी नई नई छतरियों की तलाश है। हमने कहा, तुम्हारा इल्जाम बिल्कुल गलत है, यहाँ कोई ऐसा सिलसिला नहीं, मैंने अपने खत में जिसका जिक्र किया वो सचमुच छतरी है। कहो तो तुम्हारे सर की कसम खाता हूँ जिसे मैंने हमेशा अजीज रखा है। बोली, अच्छा मेरे सर की इज्जत करते हो, तभी तो मेरे सर पर एक नई छतरी ला रहे हो। तो आपने देखा, तो मैं ये बताना कोशिश कर रहा हूं, ये सफरनामा है, जापान चलो जापान चलो, उसमें एक शोहर एक आपके जो है बेगम को खत लिखता है और उसमें लफ्ज लफ्ज से तख्लीक टपकती है, लफ्ज लफ्ज से मिजाह और उसमें तंज और हमारे माशरे के मसाइल को रखते हैं। तो जरूरत इस चीज की है मुकर्रम भाई कि जरूरत इस चीज की है कि हमारे इन अजीम फनकारों पर गुफ्तगू की जाए, उनको पढ़ा जाए, स्कॉलर्स इसमें नुकात निकालें, इस चीजों को आपके इस खुशबू को तमाम चीजों में फैलाया जाए। मैं कितनी चीजें आपके गुफ्तगू करूं, देखिए रशीद अहमद सिद्दीकी के तो छोटे छोटे जुमले तक आ गए बाहर, पतरस बुखारी के होने दीजिए या शौकत थानवी के होने दीजिए या कन्हैया लाल आपके कपूर के होने दीजिए या जमाल पाशा और यूसुफ नाजिम तक, मगर जरूरत इस चीज की है कि इस वक्त मुश्तबा हुसैन साहब का जो कुछ भी कलाम है और जो कुछ भी उनके जुमले हैं मालफुजात वगैरह में, एक मरतबा जब अमजद इस्लाम अमजद आए हुए थे आपके जो है सियासत की वो थी
क्या कहते हैं कॉन्फ्रेंस, मुझे भी बुलाया गया था, तो हम तीनों साथ थे एक जगह, तो कहने लगे यार ये तुम्हारे नाम के साथ अमजद इस्लाम अमजद ये डबल क्यों है। फिर खुद कहने लगे हाँ तो तुम ये कह रहे हो कि मैं इस्लाम की तौरत सौ तरफ से हिफाजत कर रहा हूँ अमजद इस्लाम। तो आप देख रहे हैं कि किस तरीके से हर हर दकीका हर मिनट जो है एक खूबसूरत चीज इस शख्स के दहन से आपके फूल की तरह से खुशबू की तरह से फैलती है। तो बहरहाल मेरे पास इस वक्त रात के 3:30 बज रहे हैं, और लेकिन मैं आपके क्योंकि अब मुश्तबा हुसैन की तख्लीक पर बातचीत कर चुका हूं, तो मैं समझता हूं कि मैं थका हुआ नहीं हूं। अगर कुछ सवालात वगैरह हैं, मैंने तो सिर्फ आपके जैसे कहते हैं टिप ऑफ द आइसबर्ग की तरह से मैंने तो सिर्फ एक छोटी सी आपकी गुफ्तगू कर दी कि एक कालम सुना दूं और कुछ मजमून और कुछ आपके जो है बहुत सी चीजें हैं सुनाने के लिए, लेकिन वक्त नहीं है। अल्लाह उनके जो है दर्जात आली करे। ये जुमले में कहना चाहता हूं कि मुश्तबा हुसैन की जमालियात में एक ताजगी और एक अनोखापन गजब का है, और इंशाल्लाह आप समझ रहे हैं कि हम लोगों को चाहिए कि फिर मैं उस पॉइंट पर आ रहा हूं मुकर्रम साहब, ये यूनिवर्सिटीज का काम है, ये स्कॉलर्स का काम है, ये उर्दू दानों का काम है, ये उर्दू के सुखनवरों सुखन शनासों सुखन परदासों और सुखन नवाजों का काम है कि इसकी बाग को अपने हाथ में थामे रखें। वरना अगर इसकी बाग आप लोगों के हाथ में नहीं रहेगी, अंजुमनों के अगर हम असीर हो जाएंगे, तो ये 100 साल पहले हमने उर्दू तरक्की बोर्ड बनाया है, अब उर्दू तहफ्फुज़ बोर्ड की जरूरत हो रही है। अल्लाह न जाने आपके आइंदा, मैं मायूस नहीं हूं, लेकिन इस चीज की है कि जब रेस तेज हो रही है, दुनिया की जबाने बोली बन रही है, तो हमको जो है पूरी तरीके से हमारे ये जो हीरोज हैं उनको पढ़कर और दुनिया को पूरी तरीके से आपके जो है उससे आशना और मुतारिफ करने की जरूरत है। तो थोड़ा सा मैंने आपके जो है एक क्या कहते हैं खुश जैसे अत्र लगाया जाता है ईद के दिन आपके जो है आपके हाथ पर, मैंने एक छोटा सा थोड़ा सा अत्र आपके हाथ पर लगा दिया है। अब शीशी आपके हाथ में है, आप जैसा चाहें आपके दुनिया को अतरंगेस और आपके जो है खुशबू से लैस कर दें। बहुत बहुत शुक्रिया।